लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। नाउ स्टॉप राइटिंग, लुक एट द बोर्ड। देखिए, लुक एट द बोर्ड बेटा अमार, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज एन इंटीरियर एंगल इज 60, 160, राइट? हैज इंटीरियर एंगल 160। रेगुलर पॉलीगॉन मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। इंटीरियर एंगल इज गिवन 160। क्या मालूम करना है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो बेटा मैंने क्या लिखा? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना है? 160। द सेकेंड स्टेप, वी विल फाइंड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 160। व्हाट इज द आंसर? 20। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स? नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, राइट? तो 360 अपॉन 20, 1010 विल बी कैंसल आउट। व्हाट इज द आंसर? 15। तो बेटा नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गए? हाँ, कितने हो गए नंबर ऑफ साइड्स? 18। ओके बेटा, अब आगे देखें। अब आगे जो है ना, वो इतना आसान नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या लिखा हुआ है? द डायग्राम शोज थ्री साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। कोई सा भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी तीन साइड शो कर दी। रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्या मतलब है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, इंटीरियर एंगल्स सबके क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, उसके बाद ये कह रहा है ए सी एंड बी डी मीट एट पी, राइट? कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट इज गिवन बी सी ए। ओके बेटा, वेयर इज बी सी ए? नाउ लुक एट द बोर्ड। अगर मैं आपको अलग से बनाकर दिखा दूं ना तो ज्यादा बेस्ट है, राइट? देखें, वो डायग्राम बहुत छोटी सी है। ठीक है, देखें ये अब देखें बेटा इसको और से। मैं आपको एक साइड आपको एक बनाकर दिखा देता हूं पूरा, ठीक है? बीसीए बना दे। हाँ, ठीक है। अब इधर आए, इधर देखें बेटा, मैंने क्या किया? ए बी सी, क्या है ये? ए, ये बी, और ये क्या है? सी, ठीक है। इसने ये बता दिया कि ये दोनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए बी सी ए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। क्या चाहिए? बी सी ए। बेटा अब आप मुझे एक बात तो ये बताओ, सही है, कुछ नजर आ रहा है? कोई ऐसी चीज है जिससे मैं कुछ कर सकूं? जी बेटा, देखिए मेरी बात सुने। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बन गया। यस, यू आर राइट, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये वाली साइड इक्वल है तो ये वाली साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। क्या कोई इंटीरियर, कोई एंगल गिवन है? कुछ भी नहीं है। द डायग्राम शोज थ्री साइड्स ए बी सी, ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ए सी एंड बी डी मीट एट पी, कैलकुलेट बी सी ए। बेटा मुझे एक बात बताओ, चीजें तो गिवन नहीं है, क्या मतलब थ्री साइड्स हैं? नहीं, सर ए बी बी सी और सी डी तीनों इक्वल है ना? तो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसका लिंक ऊपर वाले से है। इंटीरियर एंगल कितना गिवन है? 160 है या नहीं है? ठीक है, आपने क्या कर दिया? इंटीरियर एंगल कितना गिवन है? 160 है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, इंटीरियर एंगल कितना है? 160 है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या है? एक्स है। सो बेटा व्हाट इज द आंसर? एक्स प्लस 160 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 20। व्हाट इज द आंसर? 10। इसका मतलब है ये इसका आंसर कितना आ गया? 10। इसका आंसर भी कितना आ गया? 10। सो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी ए? बी सी ए कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर, राइट? उसके बाद उसने क्या पूछा है कि अब देखो, अब इधर आ जाओ इसी डायग्राम के ऊपर। ये वाला एंगल टोटल कितना है?
160, ये वाला एंगल कितना है 160, राइट, और साइड होंगी तो वो भी कितना होगा, इंटीरियर एंगल कितना होगा 160। अब यहाँ पे इसने पूछा है कि DPC चाहिए, अब मुझे एक बात बताओ DPC है कहाँ, ये D, ये P और ये C। अब इधर देखो मैं इसको यहाँ पर बनाकर आपको बताता हूँ, ठीक है। DPC, DPC का मतलब क्या है, ऐसे आपके पास आ रही है लाइन, ठीक है, ये आ रही है और इस तरह का आ रहा है, ठीक है, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया P और इसको नाम दे दिया D, ठीक है बेटा। आप जरा यहाँ पर गौर करें कि मेरा ये वाला जो छोटा सा जो एंगल है, ये एंगल कितना आया था मेरा, ये एंगल मेरा कितना आया था, हाँ, ये वाला एंगल कितना आया था, 10 आया था, ठीक है। आपका इंटीरियर एंगल कितना था टोटल 160, 160 में से 10 माइनस कर दे कितना आएगा 150, आ गया, क्लियर हुई बात या नहीं हुई। अब इधर आओ, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, क्या चीज समझ में नहीं आई भाई। ओ भाई इधर देखो, छोटा ये वाला जो है ना, ये देखो, ये वाला भी एंगल कितना आया था, कितना आया था 10 आया था। ये इंटीरियर एंगल मेरा कितना गिवन है 160, 160 में से 10 माइनस कर दो, बाहर का ये वाला एंगल आ गया 150। क्लियर हो गई बात, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए DPC, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब बताओ अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, DPC चाहिए हमें, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है। अब एक मिनट जी बेटा, मैं पहले इसको सुन लें बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज इंटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, इंटीरियर एंगल है कितने का, कितने का है बेटा इंटीरियर एंगल 160, कितने का है बेटा 160, ठीक है। कैलकुलेट द, बेटा इधर देख लो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 180 माइनस 160, व्हाट इज द आंसर, इट विल बी इक्वल टू 20। बेटा नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू जी बेटा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, राइट, 360 अपॉन 20, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ कितना आंसर आ जाएगा 18, इज इट क्लियर, नाउ लुक एट द बोर्ड प्लीज, अभी लिखना है, ठीक है बेटा। अब इधर देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट बी में द डायग्राम शोज थ्री साइड ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ दिस पॉलीगॉन, कैलकुलेट बी ए सी, ए कहाँ है, ए ये रहा, सही है बेटा, बी ए सी चाहिए। देखो ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल, इसका मतलब है कि ए बी सी कौन सा ट्राइंगल बना, कौन सा ट्राइंगल बना, एबीसी, एबीसी इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्योंकि इसमें दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, राइट, तो इसका मतलब है कि ये वाला अगर एंगल एक्स है तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। आपको इंटीरियर एंगल गिवन है, वो इंटीरियर एंगल कितना है, कितना इंटीरियर एंगल 160, ठीक है बेटा। सो हाउ कैन यू सॉल्व दिस, x प्लस 160 इज इक्वल टू 180, नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इट विल बी इक्वल टू 10। सो बेटा BAC, हाउ, व्हाट इज BAC, BAC इज इक्वल टू 10 डिग्री, एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक क्लियर है, कोई मसला, राइट। नेक्स्ट पार्ट, अब आप ये देखें, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कितना है 160। अब आप इधर देखो बेटा, गौर करो, इधर गौर करें, ये वाला एंगल भी टोटल कितना गिवन है 160, और अंदर वाला जो एंगल है ये मैंने अभी निकाल लिया, ये कितना आया था 10। जब ये 160 है तो भाई 160 में से 110, 160 में से 10 माइनस किया तो ये कलर वाला एंगल कितना आ गया 150, आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पे उसने क्या पूछा है, ए सी डी चाहिए, क्या चाहिए, ए सी डी, मैंने ए को मिला दिया किससे, डी से, ठीक है। जब मैंने ए को डी से मिलाया तो मेरी ट्राइंगल क्या बनी, ए सी डी, आओ इधर आओ, ठीक है, कैसे बनी, इधर देखो, ठीक है, पहले क्या बनी है, राइट, इधर देख लो बेटा, ये फर्स्ट साइड, राइट, ये क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज है बेटा, सी, ये क्या है, ये सी है, और ये वाली साइड क्या है, ए है, और ये क्या है, डी है,
ये वाला एंगल हमारा कितना है 150 है, लेकिन अभी देखो मुझे मालूम क्या करना था, ए सी डी कहाँ है सी, सही है आ गया, बताओ हमने कैसे निकाल लिया, आ गया आंसर बिल्कुल कैसे आ गया, ठीक है ए सी डी ये तो इंतहाई आसान हो गया, क्यों बेटा क्योंकि मुझे ए सी डी ये वाला एंगल चाहिए, इंटीरियर एंगल मेरा टोटल कितना था 160, इंटीरियर एंगल मेरा कितना था 160, मेरा आधा ये वाला एंगल आ चुका था वो कितना था 10 था, 160 में से मैंने 10 माइनस कर दिया, व्हाट इज द आंसर 150, तो बेटा ए सी डी किसके बराबर हो जाएगा 160 माइनस 10, व्हाट इज द आंसर इट विल बी इक्वल टू 150, एनी क्वेश्चन बेटा यहां तक क्लियर है, यस बॉयज एनी क्वेश्चन।